नाउ वी आर एक्सप्लेनिंग शॉर्ट क्वेश्चंस। अभी तक हमने इसके रिटर्न वर्क करा था, हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं। पेज नंबर 61। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 2/7a, 2/7 having। मतलब आपको फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/7। 2/7 का आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है। अगर वो सिर्फ हमको बोलते कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है तो हम फाइंड कर देते, 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 3 से कर देते, बट उन्होंने हमको कंडीशन दी है कि डिनोमिनेटर 21 आना चाहिए और सेकंड उसमें कंडीशन दी है कि न्यूमरेटर 16 आना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन को फॉलो करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर आपको कंडीशन भी गिवन हो तो आप क्या करेंगे इसके लिए, जैसे डिनोमिनेटर क्या लाना है आपको 21, तो आप क्या करेंगे 2/7, ये 2/7 तो लिखा हुआ है पर डिनोमिनेटर हमको क्या लाना है 21 लाना है, तो डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है 7, तो 7 डिनोमिनेटर में 7 लिखा हुआ है, लाना है क्या आपको 21 लाना है, तो 7 की टेबल में 21 कितनी बार में आता है, 7 3 21, मतलब 7 में 3 का मल्टीप्लाई करने पे 21 आ जाता है। ये आपको पता है कि 7 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाता है 21। तो हम इसमें क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ साइड में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 3 कितने हो जाएंगे आपके 6 और 7 3 कितने हो जाएंगे 21। हमको 21 लाना था, देखिए 21 आ गए, बट ऊपर का नंबर कुछ भी उससे कोई मतलब नहीं है, हमने नीचे का नंबर उन्होंने बोला था कि डिनोमिनेटर आपको 21 लाना है, हमने 21 लिखा है। अब सेकंड उसमें मैंने कंडीशन चेंज कर दी, उन्होंने बोला न्यूमरेटर 16 लाना, न्यूमरेटर कितना लाना है आपको 16, हम न्यूमरेटर 16 लाने के लिए आप क्या करेंगे, आपका क्वेश्चन तो वही है 2/7 ही है, अब न्यूमरेटर में क्या गिवन है 2 है, न्यूमरेटर लाना क्या है मुझे 16 और गिवन क्या है 2 है, अब 2 में मैं किसका मल्टीप्लाई करूंगी 16 आ जाए, 2 की टेबल में 16 8 टाइम आता है, मतलब 2 8 16 ये आता है, मतलब 8 का मल्टीप्लाई करने पे आपका क्या आ रहा है 16 आ रहा है, तो 8 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी हो जाएगा और डिनोमिनेटर। एक बात का ध्यान रखना, यू कैन रिमेम्बर दिस थिंग कि जो भी मल्टीप्लाई करे वो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ साइड आपको करना है, ऐसा नहीं कि आपने एक साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 8 कितने हो जाएंगे आपके 16 हो जाएंगे, 7 8 कितने हो जाएंगे आपके 56। उन्होंने आपको न्यूमरेटर में 16 बोला था, हमने न्यूमरेटर में 16 लेकर आ जाए, तो आंसर इसका 6/21 हो जाएगा, उसको हो जाएगा 16/56। ओके, तो इस टाइप से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको इस टाइप से उसको सॉल्व करना है। अब इसी में डिनोमिनेटर 70 लाना है, तो वो आपको करना है, मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सप्लेन कर रही हूं, एट जा 48।
फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 6/8। ओके, तो जब भी अगर अपन को छोटा नंबर लाना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड। अब मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपका, 27/51। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको न्यूमरेटर कितना लाना है, 72। न्यूमरेटर आपको 72 लाना है। अब न्यूमरेटर 72 लाने के लिए आप क्या करेंगे, अब 72 कैसा नंबर है, बिगर नंबर है, तो बिगर नंबर तो आप ला सकते हैं। मतलब 36 में मैं काय से मल्टीप्लाई करूं, 2 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाता है, 72। तो क्या करेंगे आप, 36 मल्टीप्लाई 2 और इधर 48 मल्टीप्लाई में क्या कर दोगे आप, 2। 36 2 का कितने हो जाएंगे आपके, 72। और 2 8 16 का 6, 1 के ही 2 4 8 और 1 9, 72/96। देखिए आप, बिगर नंबर ला रहा था तो मल्टीप्लाई कर दिया, स्मॉलर नंबर ला रहा था तो डिवाइड कर दिया। ये आपको ध्यान रखना है। इसका दो क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ और डिनोमिनेटर 24 वाला आपको करना है। अब उसके बाद आते हैं, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है कि उसको जब तक कैंसिल करते जाओ टेबल से, जब तक की और आगे उसको कैंसिल ना कर सके, उसी को हम बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसमें वही पूछा आपसे, सिंपलेस्ट फॉर्म जिसे 180/72। ठीक है, अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, आपको टेबल तो सभी की आती है। सबसे पहले मैंने किससे डिवाइड किया इसको, 2 से डिवाइड किया, 180/2। अगर ऊपर 2 से कर रहे हैं तो नीचे भी किससे करना पड़ेगा आपको, 2 से। 2 से डिविजिबल भी है, 2 9 18, या 2 3 6, 2 6 12, ये हो गया। अब ये तो देखो दोनों नंबर ऐसे ही नंबर है, किससे डिवाइड हो रहे हैं आपको दिख रहा है कि 3 के टेबल से हो सकते हैं, क्योंकि 9 और ये 3 से आता है, 3 से डिवाइड कर दिया इसको, किससे कर दिया मैंने, 3 3 9, तो 30 हो जाएगा, 3 1 3 3 2 6। अब ये दोनों नंबर 6 से डिवाइड हो सकते हैं, किससे हो सकते हैं, 6 से, 6 5 30 और 6 2 8। मतलब अब 5/2 वैसी भी ऐसी टेबल थी जिससे कि दोनों नंबर डिवाइड हो जाए, तो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, 5/2। एक तो ये मेथड है और एक दूसरी मेथड है कि आप कैंसिल करके भी कर सकते हैं, जैसे 27/51 की बने आपको। ठीक है, अब ये 3 से डिविजिबल है, 3 9 कितने होते हैं, 27, 3 1 3 3 7 21, मतलब ये आ जाएगा 9/17। इसको आगे और आप कैंसिल नहीं कर सकते, एक मेथड ये है और एक मेथड ये, किसी से भी आप अप्लाई कर सकते। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, इसके सिंपलेस्ट फॉर्म के दो क्वेश्चन है वो आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 4, चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट, मतलब चेक करके बताना है कि ये इक्विवेलेंट है कि नहीं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ साइड आपको क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लिकेशन है ना। अब इसको चेक कैसे करेंगे आप, देखिए इक्विवेलेंट फाइंड करना तो आता है पर चेक का आपको करना नहीं आता, चेक कैसे करेंगे। जैसे दो आपको फ्रैक्शन दे दिए, इसको आपको चेक करना है, कैसे चेक करेंगे, देखो आप 4/9, पहले अपन ने क्या लिखा 4/9, ये कैसे कट होगा क्या नहीं होगा। अब 28/63, ठीक है, ये तो कैसे कैसे लोग 28/63 की बात करते हैं, तो ये किसी नंबर से कोई सी ऐसी टेबल है जिससे कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि 7/4 की टेबल में दोनों आते हैं, 7/4 28, 7/9 16, मतलब 4/9 दोनों किससे कैंसिल हो गए, 7 से कैंसिल हो गए, 7 से डिवाइड करने पर मतलब ये भी 4/9 आ गया, ये भी 4/9 आ गया, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, यस
ये दोनों कैसे इक्विवेलेंट है, ये तो 4/9 था इसी, ये भी 4/9 आ गया। ओके क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको बता देती हूँ, जैसे 11/20 और 110/100, ये तो कैंसिल नहीं होगा, पर 110/100 को आप कैंसिल करें, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 11/10। अगर इन दोनों को कंपेयर करते हैं 11/20 और 11/10 तो क्या इक्विवेलेंट है क्या, नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो, क्या आ जाएगा, नो, क्योंकि ये 11/20 है जबकि 11/10 क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, तो ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, नो आंसर आएगा। ओके अब इसके जो दो क्वेश्चन है थर्ड और फोर्थ, ये आपको करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आपको पहचान में आ गया कि जो भी आपको क्वेश्चन दे उसको आप कैंसिल करके देखिए, अगर वो उसके इक्वल आ जाता है तो दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके अब उसके बाद आपके बनते हैं लॉन्ग आंसर टाइप, वो मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी, तब तक आप जो मैंने सम आपको बताए हैं उसकी आप प्रैक्टिस करें। थैंक्स।